आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट एलसीए तेजस के बारे में। आज से पहले जब भी हम लोग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में बात करते आए हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि ये फाइटर जेट कितना छोटा है, इसके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने इस बारे में बातचीत नहीं की कि ये फाइटर जेट कितना ज्यादा घातक है। इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट कितना ज्यादा घातक है। देखिए, जब भी बात की जाती है किसी फाइटर जेट की लिथालिटी की, तो उसको एनालाइज किया जाता है उसके वेपन सिस्टम्स को लेकर। आपने इस तरीके की फोटोग्राफ बहुत सारे फाइटर जेट्स के साथ में देखी होंगी और इसी वजह से इस तरीके की फोटोग्राफ्स के पीछे जो लॉजिक होता है उसको समझ लेते हैं। किसी भी फाइटर जेट में वेपन सिस्टम्स को कैरी करने के लिए हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनको पाइलंस भी कहा जाता है, और इन पाइलंस पर अलग अलग तरीके के वेपन सिस्टम्स कैरी किए जा सकते हैं। इस तरीके की फोटोग्राफ दिखाकर ये समझाने की कोशिश की जाती है कि हर एक पायलट किस तरीके के वेपन सिस्टम्स कैरी कर सकता है, जिससे ओवरऑल फाइटर जेट की लिथालिटी समझ में आती है। इस वीडियो के दौरान हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ए किस तरीके के वेपन सिस्टम हर एक हार्ड पॉइंट पर कैरी कर सकता है और ये सारे के सारे वेपन सिस्टम्स किस तरीके की कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं। देखिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में 8 हार्ड पॉइंट है और हर एक हार्ड पॉइंट का एक मैक्सिमम वेट है, जितने वजन वाले वेपन सिस्टम्स यह हार्ड पॉइंट कैरी कर सकते हैं। देखिए, जब भी बात की जाती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की, तो ये एयरक्राफ्ट कुछ डेड वेट कैरी करता था जिसको बलास्ट कहा जाता है, लेकिन एलसीए तेजस मार्क 1 ए में ये बलास्ट वेट हटा दिया गया है और इसी वजह से इस डेड वेट हटने के कारण ये एयरक्राफ्ट कंपैरेटिवली ज्यादा वजन कैरी कर सकता है, यानी कि मार्क 1 ए मार्क 1 की तुलना में ज्यादा वेपन सिस्टम्स कैरी कर सकता है। एलसीए तेजस के विंग के नीचे दोनों तरफ 3-3 हार्ड पॉइंट्स हैं, वहीं एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज में भी 3 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक के ऊपर गन को माउंट किया जाता है और इसी वजह से एयरक्राफ्ट में इफेक्टिवली 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, लेकिन वेपन सिस्टम माउंट करने के लिए केवल 8 हार्ड पॉइंट अवेलेबल हैं। इस एयरक्राफ्ट के विंग टिप पे रेडार वार्निंग रिसीवर लगाए जाएंगे, वहीं पर आउटबोर्ड पायलन यानी कि जो सबसे बाहर वाला पायलन होगा वो 310 किलोग्राम का वजन कैरी करने में सक्षम होगा, मिडबोर्ड पायलन 800 किलोग्राम और इनबोर्ड पायलन 1200 किलोग्राम का वजन कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं पर इस एयरक्राफ्ट में जो सेंट्रल लाइन पायलन होगा वो 740 किलोग्राम वजन कैरी कर सकेगा और एयरक्राफ्ट के लेफ्ट साइड में इनटेक के साथ जुड़ा हुआ पायलन लेजर डेजिग्नेटर पॉड्स कैरी कर सकेगा। इन पायलन्स के ऊपर लगने वाले वेपन सिस्टम्स के बारे में बात करने से पहले आइए बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। देखिए, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले एस्पिरेंट हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। अगर आप CDS 1 की तैयारी कर रहे हैं जो साल 2023 में होगा, तो उसके लिए आप डिटेल्ड प्रिपरेशन प्रारंभ बैच के साथ में कर सकते हैं। ये बैच 8 सितंबर को शुरू हुआ था और इस बैच के साथ में आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी पूरे साल डिटेल तैयारी करके अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करने की। अगर आप CAPF ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जज्बा बैच अवेलेबल है। ये बैच सितंबर 15 को स्टार्ट हुआ था। अगर आप SSB की तैयारी कर रहे हैं, तो मिशन SSB 4.0 आपके लिए एक कंप्लीट बैच कोर्स होगा जो सितंबर 22 को स्टार्ट हुआ था। अगर आप NDA 1 के एस्पिरेंट हैं, जो साल 2023 में होगा, तो उसके लिए संकल्प बैच एक कंप्लीट बैच होगा जो सितंबर 22 को स्टार्ट हुआ था। वहीं अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स, नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो उसके लिए भी कंप्लीट बैच सितंबर 8 को शुरू हुआ था, जिसका नाम है शौर्य। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप हमारा कूपन कोड Alpha22 यूज करेंगे, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है और इसी वजह से अगर आपको ये डिस्काउंट पाना है, तो सितंबर 30 से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको एनरोल करना पड़ेगा। आइए अब बात कर लेते हैं तेजस पर जाने वाले वेपन सिस्टम्स को लेकर। अगर LCA तेजस के ऊपर जाने वाले क्लोज कॉम्बैट वेपन सिस्टम्स की बात की जाए, तो ये 3 अलग अलग तरीके के मिसाइल सिस्टम्स कैरी करेगा। सोवियत ओरिजिन की R-73E पहली क्लोज कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम है और LCA तेजस के ऊपर इस मिसाइल सिस्टम का जो वेरिएंट यूज किया जाता है वो R-73E है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में है। वहीं पर अगर बात की जाए दूसरी मिसाइल सिस्टम की, तो ये इजरायली ओरिजिन की पाइथन 5 है। शुरुआती दौर में जब पाइथन 5 मिसाइल सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जा रहा था, तो वाइब्रेशन के चलते ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं किया जा सका था, लेकिन अब ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेट कर दी गई है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज भी 30 किलोमीटर से ज्यादा है और ये लगभग 4 मार्क की स्पीड से अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। अपने सीकर के कारण पाइथन 5
इस समय शॉर्ट रेंज कैटेगरी में दुनिया की बेस्ट मिसाइल सिस्टम्स में से एक मानी जाती है। वहीं पर अगर तीसरी मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये मिसाइल सिस्टम है एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि एशरैम। एमबीडीए यूके द्वारा बनाई जाने वाली ये मिसाइल सिस्टम पाइथन 5 की तरह बहुत ज्यादा कंट्रोल सर्फेसेस के साथ में नहीं आती है और इस मिसाइल सिस्टम का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा क्लीन डिजाइन है। इस क्लीन डिजाइन के चलते ये मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा ड्रैग जनरेट नहीं करती है और इसी वजह से एलसीए तेजस मार्क 1 ने एक पायलन के ऊपर ऐसी दो मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकेगा। अगर बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट 4 पायलॉन्स के ऊपर डेरबी, अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 कैरी कर सकेगा। वहीं पर अगर फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो मीटियोर कैटेगरी की अस्त्रा मार्क 3 भी इन 4 पायलॉन्स के ऊपर इंटीग्रेट की जा सकेगी यानी कि एयर टू एयर मोड में ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट होगा। वहीं पर अगर एयर टू ग्राउंड मोड की बात की जाए तो स्टैंड ऑफ गाइडेड वेपन सिस्टम्स में इसके साथ में फ्रेंच ओरिजिन का प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब हैमर इंटीग्रेट किया जा रहा है जिसकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर की है। वहीं अमेरिकन ओरिजिन का जेडैम बीस के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा जिसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की रेंज लगभग 80 किलोमीटर की है। तेजस 5 हैमर या 5 जेडैम ले जाने में सक्षम होगा। वहीं पर अगर नेक्स्ट जनरेशन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की बात की जाए तो PB-500 और PB-1000 इनको भी 5 पायलन्स के ऊपर कैरी किया जा सकेगा। वहीं पर लेजर गाइडेड बॉम्ब ग्रिफिन भी इन 5 पायलन्स के ऊपर जा सकेगा। लेकिन जब बात आती है 100 की तो ये भी 5 पायलन्स के ऊपर जाएंगे लेकिन इनका टोटल नंबर 14 यानी कि 14 का होगा। मिडबोर्ड पायलन के ऊपर इनको 2 के ग्रुप में इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही सेंट्रल लाइन पायलन भी 2 बॉम्ब्स कैरी करेगा लेकिन जो इनबोर्ड पायलन होगा वो 4 बॉम्ब्स कैरी करेगा और इसी वजह से इसका टोटल नंबर होता है 14। इसके अलावा इन्हीं 5 पायलन्स के ऊपर जनरल पर्पस बॉम्ब, हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स, प्री फ्रेगमेंटेड हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑक्यूमेंटेशन यानी कि तारा और प्रैक्टिस बॉम्ब्स को भी माउंट किया जा सकेगा। लेकिन असली पंच आएगा जो स्टैंड ऑफ रेंज की मिसाइल सिस्टम्स इसके साथ में इंटीग्रेट की जाएंगी उनके साथ में। इस समय DRDO की तरफ से 2 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं जो काफी हेवी मिसाइल सिस्टम्स होंगी और लॉन्गर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पर ये टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगी। अगर रुद्रम 2 की बात की जाए तो LCA तेजस मिडबोर्ड और इनबोर्ड पायलन के ऊपर इनको कैरी कर सकेगा। वहीं पर रुद्रम 3 केवल इनबोर्ड पायलन पर कैरी की जा सकेंगी यानी कि एयरक्राफ्ट 4 रुद्रम 2 या 2 रुद्रम 3 कैरी कर सकेगा। इसके अलावा नेवल एंटी शिप मिसाइल का जो मीडियम रेंज वेरियंट बनाया जा रहा है उसको भी 5 पायलन के ऊपर कैरी किया जा सकेगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम रुद्रम 1 4 पायलन्स के ऊपर कैरी की जा सकेगी और नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस 2 पायलन्स के ऊपर कैरी की जा सकेगी। ओवरऑल यहां पर कहा जा सकता है कि एलसीए तेजस मार्क 1 ए एक काफी ज्यादा लीथल एयरक्राफ्ट होगा जिसके भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद में उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।